2017 में मैं इस जेल पे आया था, तो जेल उसी दिन ब्रेक हो चुकी थी। दो हार्ड कोर क्रिमिनल थे, हाई प्रोफाइल कैदी थे, वो एस्केप कर गए थे। मेरा नाम जहांगीर खान है। मैं 2011 में इस जेल में आया था एक मर्डर के हिसाब में। अब मुझे सजाए मौत है, मैं सजाए मौत का कैदी हूँ। अलग ही मतलब एक दुनिया है यहाँ पर। जो एग्जीबिशन हुई थी उसमें मेरी 45,000 की पेंटिंग्स बिकी थी। कम से कम मेरी जो पेंटिंग सेल आउट हुई है यहाँ पर 35 से 40 लाख रुपए की। 11 सालों के अंदर मैंने ये पेंटिंगें बना के बेची हैं और जो अपने घर वालों को इन्हीं पैसों से मैंने सपोर्ट भी करा है यहाँ पर। मुझको ये फायदा हुआ कि यहाँ पे जेल में आके तो मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता अगर फाइन आर्ट नहीं होता। नेगेटिव एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत सारी होती है। एक हमें ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया था जो जेल का लगता ही नहीं था कि जेल के अंदर है। क्योंकि हमारा मोटो है वी चेंज बिहेवियर। हम यहाँ से लोगों को चेंज करके भेजेंगे। जैसे लोग कहते थे ना कि जराइम का इंस्टीट्यूट है, हम इसको इंस्टीट्यूट बना के इसी माशरे में वापस अच्छा इंसान बना के भेजना चाहते हैं। हाँ भाई, क्या है भैया, अगर मैं आपको बात बताऊं कि कराची जेल के अंदर बैठे बैठे एक कैदी ने 40 लाख रुपए कमाए तो यकीनन आपका दिमाग कहीं और जाएगा। लेकिन नहीं, ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। देखिए, जेल्स को दुनिया भर में करेक्शन फैसिलिटी कहा जाता है, जहां पे मुजरिम जो जब जाता है सजा काटने तो वो अपना बिहेवियर करेक्ट करे और वो सुधर जाए ताकि दोबारा वो सोसाइटी का एक कारामद हिस्सा बन सके। लेकिन वो तो इसके बरक्स है। छोटा पेटी क्राइम वाला क्रिमिनल अंदर जाता है, अंदर से वो बड़ा गैंगस्टर या बैंक रॉबर बन के बाहर निकलता है और ये दुनिया भर का मामला है। तो इनका बिहेवियर करेक्ट कैसे किया जाए, ये हो सकता है पॉजिटिव एक्टिविटीज के जरिए। तो सेंट्रल जेल के SSP हसन सैदो ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे अंदर बाकायदा जेल के एक आर्ट स्कूल है, जहाँ पे 2000 स्टूडेंट बाकायदा वहाँ पढ़ रहे हैं, आर्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो आर्ट बेचा जा रहा है ताकि उनकी जो फैमिली बाहर है। अक्सर होता ही है कि जो भी क्रिमिनल होता है वो जाहिर है ब्रेड विनर होता है फैमिली का, और वो फिर जब पकड़ा जाता है तो पीछे फैमिली भी सफर कर रही होती है। वहाँ जेल के अंदर बैठे बैठे लोग खूबसूरत आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके जरिए उनकी आमदनी भी चल रही है, उनका घर भी सपोर्ट हो रहा है और उनको एक पॉजिटिव टैलेंट अपना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो सोसाइटी का पॉजिटिव हिस्सा बनेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि आप अभी देखेंगे। और बाय द वे, 23 सितंबर को कराची आर्ट्स काउंसिल में इन तमाम आर्ट की एग्जीबिशन होगी, तो उसमें आपने जरूर जाना है और साथ देना है। आइए चलिए डॉक्यूमेंट्री देखें। 2017 में मैं इस जेल पे आया था, तो जेल उसी दिन ब्रेक हो चुकी थी। दो कैदी हार्ड कोर क्रिमिनल थे, हाई प्रोफाइल कैदी थे, वो एस्केप कर गए थे और मेरी पोस्टिंग उस दिन जो थी मलिर जेल पे। तो मुझे IG साहब ने कॉल किया था कि यहाँ आ जाएं 2 मिनट के लिए। मैं आया तो मुझे बोला यहाँ का आप चार्ज ले लो। मैंने IG साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर मैं तो जूनियर बंदा हूँ, किसी सीनियर को दे दें। तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन की, उन्होंने कहा नहीं आप इस जेल को चला सकते हैं। बड़ों की बात मैंने मान ली, वो IG मेरे दोस्त भी थे, भाई भी हैं, यहाँ का चार्ज ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है डिसिप्लिन नहीं था उस टाइम पर, मैंने इन कैदियों को पहले डिसिप्लिन में लाया, उसके बाद फिर मैंने कहा इनको पढ़ाई लिखाई की तरफ किया जाए। जेल के तमाम वार्डों के अंदर हमने फाइन आर्ट की क्लास रखी हुई, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज़ क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, तमाम क्लासेस का हमने अहतमाम किया हुआ है। क्योंकि हमारा मोटो है वी चेंज बिहेवियर। हम यहाँ से लोगों को चेंज करके भेजेंगे। इंस्टीट्यूट ज़रूर है, जैसे लोग कहते थे ना कि जराइम का इंस्टीट्यूट है, हम इसको इंस्टीट्यूट बना के इसी माशरे में वापस अच्छा इंसान बना के भेजना चाहते हैं। अब मेरे पास जो है 7,000 कैदी हैं, 2,500 कैदी इन क्लासों में पढ़ते हैं और काम करते हैं। मेरा नाम जहांगीर खान है और मैं 2011 में इस जेल में आया था एक मर्डर के हिसाब में। मेरा नाम हसनैन रजा है, मैं एक पर्सनल केस में आया था अंदर। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। इसका इनिशिएटिव लिया था नुसरत हुसैन मंगन, उस वक्त हमारे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे। इनिशिएटिव उन्हीं का था, हम तो साथ वहाँ पे दे रहे थे। वहाँ पे हमें अच्छा लगा कि हम पेंटिंग एक सोचते थे कि हाँ भाई पेंटिंग करेंगे, लेकिन बाहर तो ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आगे मौका मिला, सर ने हमें मौका दिया। अब मुझे सजाए मौत है, मैं सजाए मौत का कैदी हूँ। अब हम इस सजा में सर रोज जीतते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीतते हैं, रोज मरते हैं। ये सजा बहुत सर दर्दनाक सजा है। तो काफी अरसा तो बैरिक में बैठ के मैं परेशान था बहुत, लेकिन जब फाइन आर्ट का पता लगा, फाइन आर्ट का रुख किया, तो मेरी काफी जो है सोच तब्दील हुई। और यहाँ कलर के बारे में जब मैंने सीखा काम करने के लिए, तो मुझे बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई। पेंटिंग सीखी, मोती वर्क सीखा, उस्ताद अजीज है हमारे सीनियर टीचर, उनकी मदद से जो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। टीचर बन गया हूँ अभी मैं, दूसरे कैदियों को जो सीखा हुआ है वो मतलब दूसरे कैदियों को सिखाता हूँ। और बहुत सारे एग्जीबिशनों में हिस्सा लिया है, फर्स्ट पोजीशन भी यहाँ पे लिया है मैंने। यहाँ पे काम किया है कि रेल स्टिक भी काम किया है और इम्प्रेशन पे भी काम किया है, एम्ब्रॉयडरी पे भी काम किया है, वॉल पेंटिंग भी की है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत यानी फाइन आर्ट से बहुत सीखा है। यहाँ अभी तक मैंने तकरीबन भी मेरी पेंटिंग 100-125 पेंटिंग में बना चुका हूँ। पहले मेरी 2017 में बाहर एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें 21,000 की मेरी पेंटिंग एक बिकी थी, जो जर्मन अदब की नावल निगार थी जो मैंने बनाई थी। और एक का मुझे आर्डर भी देकर गए थे इधर। और जो एग्जीबिशन हुई थी उसमें मेरी 45,000 की और भी पेंटिंग्स बिकी थी। अलग ही मतलब एक दुनिया है यहाँ पर।
तो मैंने भी सोचा कि मैंने क्यों ना कुछ सीखा जाए यहाँ पर। तो फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम यहाँ पर सीखा आगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ पेंटिंग का, तो मैंने पेंटिंग भी यहीं यहाँ पर सीखी। तो अपने ही आइडिया से एक फिर मैंने जाहिर किया कि एक 3D पेंटिंग बनाई, एम्ब्रॉयडरी प्लस पेंटिंग। पेंटिंग तो मैंने बहुत बनाई है यहाँ पर, तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा मेरी यहाँ पर पेंटिंग है जो मैं बना चुका हूँ। और उनकी जो इनकम हुई है मेरी पेंटिंग होगी, अलग अलग जगहों पर नुमाइश भी हुई है, फिर यहाँ पर सेल आउट भी हमारी होती है, विजिट आते हैं यहाँ पर, वो भी पसंद करते हैं तो उनसे भी सेल आउट होती है हमारी। तो कम से कम मेरी जो पेंटिंग सेल आउट हुई है यहाँ पर 35 से 40 लाख रुपये की, 11 सालों के अंदर मैंने ये पेंटिंगें बना के बेची हैं, और जो अपने घर वालों को इन्हीं पैसों से मैंने सपोर्ट भी करा है यहाँ पर। मुझको ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे जेल में आके तो मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता अगर फाइन आर्ट नहीं होता। नेगेटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, उन सब चीज़ों से हम हट गए थे, और एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया था जो जेल का लगता ही नहीं था कि जेल के अंदर है। कि जैसे हमारा दिमाग बंद हुआ हुआ था, हमें कुछ काम करने को जगह नहीं मिलती थी, मौका नहीं मिलता था, कोई थीम्स नहीं मिलती थी, तो हम रिक्वेस्ट करते थे इंतजामिया से, जैसे हमारे DIG साहब हैं वो यूसुफ साहब से कुछ पिक्चर्स देते थे कि बच्चों को ये दें, कैदियों को जिस पे काम करें, तो हम उस पे काम करना शुरू करते थे अपना। जैसे कि अभी आपने बटाई स्ट्रीट देखी है हमारी, ये सारी हमारी यूसुफ साहब की मदद है जो हमें बताते हैं, समझाते हैं, वॉल्स देते हैं कि कैनवस मैं खरीद नहीं सकता, इस दौर में 500-600 का कैनवस है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर साहब ने हमें एक वॉल दी बहुत बड़ी, किस पे काम करें, तो उस पर जब काम किया आपने, वो काम देखा हमारा बटाई स्ट्रीट का, अब मुझ में बहुत तब्दीली आ चुकी है। जो लोग नशा यहाँ पर करते थे, जो अपनी माँ बहनों पैसे लेते थे, आज वही लोग यहाँ पर काम कर गए, जैसे मोती का काम हो गया, पेंटिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, आज वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों पर यहाँ से पैसे भेजते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये, कोई 10 हज़ार रुपये महीना यहाँ से अपनी माँ बहनों को भेजता है। लेकिन अभी यहाँ बैठ के मैं महीना मतलब 40-50 हज़ार रुपया कमा सकता हूँ और कमा रहा हूँ, तो बाहर तो इंशाल्लाह और आसानियाँ हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से हमें जो चीज़ें एशिया जो ज़रूरत होती है वो मिल रही होती है। अगर हम बाहर अपने उसमें आ जाएंगे तो वो फिर अपने थ्रू भी कर सकते हैं उसको। 33 जो है पेंटिंग मेरे जाएंगे, और दूसरा जो है मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो जिन लोगों ने काम किए हैं, पेंटिंग बनाए हैं, सीखे हैं, उनके भी हैं, अभी वो भेजे हैं। अभी 23 सितंबर को हम लोग का एग्जीबिशन है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरीके से होने जा रहा है कि कैदियों की जेल की नुमाइश बाहर हो रही है, और बहुत बड़ी नुमाइश है कि पाकिस्तान में इस तरीके का कभी नहीं हुआ। 23 तारीख को इंशाल्लाह हमारी नुमाइश लगेगी, तो तमाम देखने वालों से भी यही अपील है कि वो हमारा काम आए उधर, हमारा काम पसंद करें, परचेस करें, ताकि उन पैसों से हम अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करें।